चल चल। ये टूल प्लाजा था जो कि शाह फैसल से थोड़ा सा पहले, ये शाह फैसल का ब्रिज आ गया ऐसे ही ना। ये शाह फैसल का ब्रिज है और यहाँ पर रोड कारपेटिंग हो रही है, बल्कि हो चुकी होगी, हो गई है। ये देखें वो गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं। मैंने इनको बोला भी था कि मुझे फ़ोन कर देना, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं किया। तो अब देखते हैं यहाँ से ऊपर चढ़ा ले। रुक जा रुक जा, मेरे को भी गिराएगा। इधर से चल, ये थोड़ा गाड़ियों को भी देखना। अच्छा जी, ये सामने टूल प्लाजा आपको नज़र आ रहा है, ये गाड़ियां हैं जो कि इसका सही है। ये बन गया रोड, आगे गाड़ियां खड़ी हुई हैं। रोड बनाने के बाद जो है ना यहाँ पे रोक दिया गया है, ताकि जो है ना मेरे ख्याल से बन चुका है। आगे थोड़ा सा शाह फैसल तक चलते हैं, फिर वहाँ या वीडियो करेंगे, वीडियो का एंड। किसी गाड़ी के बीच में से निकालिए, गाड़ी के बीच में से नहीं निकलेगा। थोड़ा सा वीडियो बना के फिर वहीं पे करेंगे एंड, क्योंकि वहाँ पे जो है ना ब्रिज बन रहा है और हो सकता है वो वहाँ पर भी जो है ना काम हो रहा हो, काफ़ी बल्कि हो रहा है हर जगह पे। सारे काम रुक गए लेकिन ये काम नहीं रुक रहा माशाल्लाह से ना। सारे काम से मुराद ये कि गुजर नाले का काम रुका हुआ है, अच्छा, और औरंगी नाले का काम रुका हुआ है, लेकिन इस रोड के ऊपर एक्सप्रेस वे के ऊपर जो है ना काम स्पीड से जारी है। फेज वन का काम मुकम्मल है, ये दरिया आपको नजर आ रहा है खूबसूरत सा, यहाँ पे भी परिंदे जो है ना चिर चिर करते हुए नजर आएंगे। तो जब यहाँ से आप गुजरेंगे तो आपको ये सीन भी देखने को मिलेगा, लेकिन आप लोग जाएंगे 100 की स्पीड से, 120 की स्पीड से। ये ट्रैक्टर नीचे उतर रहा है। अच्छा जी, ये कुत्तों की भरमार आ गई है। अब ये रैम जो मैंने बताया था ना आपको कि रैम चढ़ रहा था, ये वो रैम पे जो अब बन चुका है और ब्रिज के ऊपर जो है ना जा रहा है, तो इसके ऊपर चलते हैं। ट्रैफिक जाम हो चुका है, पता नहीं किस वजह से थोड़ा सा वो ट्रैफिक इधर, चलिए इधर देखते हैं तो ट्रैफिक क्यों जाम हुआ है। जाएगी जाएगी, देखिए जरा, नहीं जाएगी। कोशिश कर ले, ये शाह फैसल के ब्रिज के ऊपर जो है ना रोड जाम हो चुका है। ये मलीर एक्सप्रेस वे के ब्रिज के ऊपर हूँ मैं। यहाँ से गाड़ियाँ चढ़ेंगी, वो जो शाह फैसल से आ रही होंगी ना, यहाँ से जो शाह फैसल से आ रही होंगी गाड़ियाँ, वो नीचे ब्रिज, ये ब्रिज है, यहाँ से आके ये घूम के फिर इसके ऊपर आ जाएंगी। यहाँ से इसके ऊपर आने के बाद जो है ना फिर ये ट्रैफिक जाम हुआ हुआ है, इसका समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ तो जो है ना आगे जो है ना बिजली वालों का हड़ताल वड़ताल की होती है उन्होंने ना, उस वजह से रुका हुआ है ट्रैफिक।
अच्छा ये है चढ़ने वाला, यानी कि जब वहाँ से आएंगे यहाँ से जाके ऐसे घूम के आएंगे, इसके ऊपर चढ़ जाएंगे और जब उतरना होगा तो वहाँ से उतरेंगे। ये देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत सा नज़ारा नज़र आ रहा है आपको, ये भी रोड बनेगा यहाँ पे। हाँ बोलो क्या बोलोगे, आपका विभाग है क्या है? हाँ विलॉग है। ये चैनल बता दीजिएगा फिर कब आएगा। ये आएगा रात को या कल आ जाएगा इंशाल्लाह। लिखो मास्टर भाई, रात को आएगा। हाँ इधर लिख दो यार। एक काम करो, मैं कार्ड दे देता हूँ। हाँ एक काम करो, कार्ड लेके ना उसके अंदर फोन नंबर, वीडियो इसमें आएगा या नहीं आएगा। 38 किलोमीटर बनाया है। कितना किलोमीटर है? 38 किलोमीटर है। 38 किलोमीटर है मलीरा एक्सप्रेसवे। यानी कि आपका क्या काम है यहाँ पे? यहाँ ये सर्वेयर है जी, ये सर्वेयर है और मैं इधर असिस्टेंट सर्वेयर। ये जो पड़ा हुआ है इसके नापतापी करते हो? हाँ बिल्कुल, ये ऑटो लेवल है। ऑटो लेवल मशीन सही है। तो जब ये रोड बनेगा आप मुझे ये फ़ोन नंबर, मैंने इसके अंदर है कार्ड जो दिया है, सही है ठीक है, मुझे फ़ोन कर देना कि यहाँ रोड बन रहा है, फिर मैं यहाँ के लिए आ जाऊँगा। लाजमी मुझे फ़ोन कर देना ठीक है। तो हाँ इधर से आ जाएगी। ये ब्रिज बन रहा है, देखें वहां से आने वाली ट्रैफिक यहां से चढ़ेगी, यहां से चढ़ने के बाद इसे इसके ऊपर जो है ना एंटर हो जाएगी, इंटरचेंज कहते हैं इसे। और यहाँ से जाने वाला जो है ना ये यहाँ से उल्टे हाथ से उतर के इस ब्रिज की तरफ जो है ना एंटर हो जाएगा। अपडेट मलीर एक्सप्रेसवे की, पार्ट 1 पार्ट 2 होगा क्योंकि लंबी वीडियो बनी है, जहाँ पर हमने आपको जो है ना वो भी बताया जो
टूल प्लाजा बन रहा था। टूल प्लाजा के बाद हम ये शाह फैसल की तरफ आए हैं। शाह फैसल के ऊपर जो है ना रैम्प बन चुका है, अब इसके ऊपर जो है ना कारपेटिंग होगी तो हम आएंगे। तो आगे रोड जाम था, वो पता नहीं किस वजह से जाम था, लेकिन ये शाह फैसल वाला ब्रिज है ये, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना एक एस्फॉल्ट मशीन जो है ना जा रही है, जो कि बजरी मोटी पत्थर वगैरह जो है ना वो उसको लेवल करती फेंकती जाती है, और पीछे से जो है ना वो चलते हैं रूलर वगैरह जो है ना क्लियर करते हैं। तो यहीं से चाहते हैं इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।